नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। अपनी मुख्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज अर्धनग्न प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कर्मचारी अर्धनग्न होकर आज राज्य सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रोग्राम है उसकी तीसरी कड़ी के अंदर ये अर्थनिर्भर प्रोग्राम था। राजस्थान सरकार द्वारा आज दिनांक 2 महीने की तनख्वाह पेंशन अभी तक आई नहीं है और 7वां वेतन आया हुआ तो जुलाई से हमारा जो डीए लगाया हुआ था आज तक लगाया नहीं है, जो कि हर विभाग के अंदर लगाया जा चुका है। तो राज्य सरकार से हम इस कड़ी के अंदर बताना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार राजस्थान रोडवेज के साथ में भेदभावपूर्ण नीति न करे और ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। अगर भविष्य के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की तो इसके बाद में हमारा अगला चरण जो है 12 और 13 तारीख को काली पट्टी पूरे राजस्थान के अंदर बांध के विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार को हम आह्वान करना चाहते हैं कि राजस्थान रोड के कर्मचारी जिनका बकाया 2 महीने का वेतन और पेंशन और अपने सेवानिवृत्त कर्मचारी उनकी 5 साल से जो बकाया भुगतान है वो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हर महीने के फर्स्ट सप्ताह के अंदर हमारी पेंशन और सैलरी आनी चाहिए और हर महीने रिटायरमेंट कर्मचारी 1 महीने का हिसाब से हमारा कर्मचारियों का भुगतान करना चाहिए और नई बसें नई भर्ती ये जरूरी है। राजस्थान रोडवेज को चलाने के लिए गाड़ी और कर्मचारियों की जरूरत है, वो भी जरूरी है। 7वां वेतन आया आज की तारीख में हर विभाग को दिया जा चुका है, जो राजस्थान रोडवेज को नहीं दिया है ये राजस्थान सरकार जगमगाती सरकार है जो अभी सोच रहे, नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी और निवर्तमान जो निवर्त कर्मचारी है वो इतने हैं कि सरकार को घर फेंकना भी जानते हैं, इसलिए हम ये आगाह करना के हमारी तीसरी आज किस तरह से प्रदर्शन करा गया आज क्या है। आज राजस्थान रोडवेज के अंदर हमारा चरण के अंदर तीसरा अर्धनगर प्रोग्राम था 12:30 बजे पूरे राजस्थान के अंदर है, ये आज किया गया हजारीलाल चौधरी प्रदेश सचिव। वैसा किस तरह का प्रदर्शन था आज आप लोगों का और क्या कितने दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, वैसा किस तरह की मांगे हैं? राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए लड़ता रहे, लेकिन चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों को उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है। हम संघर्ष करते रहे, हमारे चाहे वो 7वें वेतन आयोग की मांग हो, चाहे हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है 5 साल से उनका परिलाभ नहीं मिला वो हो, चाहे हमारे जो प्रतिमागी प्रत्येक दिवस पर जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, ना ही हमारे डीए लगाया जाता है, ना ही नई बसों की खरीद हो रही है, ना ही हमारे नए कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर रोडवेज को चला पाना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, ना तो हमारे पास बसें हैं ना हमारे पास इतने ही कर्मचारी है। राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी इतना परेशान इतना दुखी हो चुका आंदोलन कर करके भी, लेकिन सरकारें अपने कान में रूई डाल करके बैठी है जो कि सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी कमर कस ली है और वो एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। आज हमने सब अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, इससे पहले भी हमने 2-4 दिन पहले प्रदर्शन किया था, आगे भी हम काली पट्टी बांध करके जिस हद तक हम संघर्ष कर सकते हैं उस संघर्ष के लिए तैयार है। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी आज ये आगाह कर देना चाहता है राजस्थान सरकार को, या तो हमारी बात समय पर मान ली जाए, जो हमारी जायज मांगे उनको पूरा कर दिया जाए। कोरोना बीमारी से बचाव के लिए लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्सुकता है। इसी क्रम में वार्ड 48 के सुखाड़े उद्यान में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। एंड के अंदर चंचल भैरवाल और एमन वाडी जी के द्वारा आज कुपाड़िया उद्यान के अंदर वार्ड 40 में कोविड शील्ड का कैंप लगाया गया है। अभी तक मेरे वार्ड के अंदर ये 6ता कैंप है। इस कैंप के अंदर हमने करीबन आज तो हम 500 डोज लगा रहे हैं,
मगर पूरे वार्ड के अंदर 450 से 500 हज़ार के 4,500 या 5,000 के लोगों के बीच हमने वैक्सीन लगा चुके हैं। यानी हमारे जो वार्ड का रेशो है वो 85% लोगों को हमने वैक्सीन कर चुके हैं। और मैं सभी जनता से ये अनुरोध करूँगा कि इंडिया के अंदर तीसरी लहर प्रारंभ होने जा रही है, तो सभी लोग वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता करें और अपने हाथ सैनिटाइजर से धोएं और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि तीसरी लहर और भी खतरनाक बताई जा रही है। तो सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि अपना वैक्सीन शील्ड जरूर लगाएं, इससे कोई भी परेशानी नहीं है, इससे कोई भी बीमारी नहीं है, ना ही कोई लोग मर रहे हैं, ये झूठी अफवाह है। और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट योजना के तहत बनाए जा रहे पार्कों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। यहाँ बहुत ही शानदार पेड़ लगाए गए हैं। मैंने करंज का पेड़ लगाया है और प्रकाश जी ने उनको भी करंज का पेड़ लगाया गया है। और मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा प्लांटेशन हो गया है, जगह एक बहुत सुंदर प्लांटेशन की जगह हो गई है। शातिरों द्वारा लगातार ठगी के नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में लोन दिलाए जाने के नाम पर 1,78,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ। लोन दिलाने के नाम पर गंजताना क्षेत्र में रहने वाले विक्रम सिंह नामक व्यक्ति के साथ 1,078 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह के पास लोन के लिए फ़ोन आया था और उसके बाद उसने आधार कार्ड और बैंक की पासबुक संबंधित नंबर पर भेज दी। उसके तुरंत बाद पीड़ित के अकाउंट से 1,78,000 रुपये कट गए। इस संबंध में गंजताना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कल दिनांक 5/8/21 को परिवादी श्री विक्रम सिंह, सब इंस्पेक्टर CRPF GC2 पैसागर रोड अजमेर ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 31/7/21 को उनके पास कोई फ़ोन आया जो बताया कि रिलायंस कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपको लोन चाहिए क्या, और इन्होंने हाँ कह दिया। उसके बाद वापस इनके पास कॉल आया और इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी भेजने के लिए कहा, तो इन्होंने ये फ़ोटोकॉपी भेज दी उनके नंबर पे। उसके बाद इनके मोबाइल पे एक अप्रूवल लेटर आया कि आपका लोन 3.5 लाख के करीब अप्रूवल हो चुका है। तो उसके बाद इनके खाते से 1,78,849 रुपये कट गए, डेबिट हो गए। उसके बाद 2-3 दिन तक इनसे और पैसों की डिमांड करते हुए मोबाइल पे फ़ोन पे बात हो रही थी और कल इन्होंने उपस्थित होकर के ये मुकदमा दर्ज करवाया है। स्वामी न्यूज़ के कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योगाचार्य हेमंत द्वारा प्राणायाम से मनोदेही चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सभी दर्शकों को आज एक मैं सूचना देता हूँ, वो आप सबके लिए बहुत अच्छी सूचना है। वो ये है कि कल से लगातार 3 दिनों तक इस कार्यक्रम में आयुर्वेद की चर्चा की जाएगी और आयुर्वेद की चर्चा करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित होंगे डॉक्टर धीरज उपाध्याय जी, जो अजमेर के प्रसिद्ध, अजमेर ही नहीं राजस्थान के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं और आपके सवाल लोगों के जवाब देंगे। उसके अलावा भी वर्तमान की जितनी समस्याएं हैं उस पर भी अपनी बात रखेंगे, चाहे वो कोरोना के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। कैमरा दिखा। तो वो कैमरा छोड़, वो कैमरा देख, कोई ऊपर वाला सब देख रहा है। सॉरी सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर। चलो ब्रदर। CP+HD सिक्योरिटी कैमरास, ऊपर वाला सब देख रहा है। फिनिश। कमला कमला कमला, वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। CP+HD सिक्योरिटी कैमरास,
नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो बजाता काले चोर ले गए। जंगलियों, जंगल में मोर नाचा, सबने देखा सबने देखा, वो देखो सीपी प्लस। ऊपर वाले को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। नाइट विजन। सॉरी, अब नो मोर चोरी। ओवे। ओके। सीपी प्लस इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम्स, बी केयरफुल, क्योंकि ऊपर वाला सब देखा। CP Plus Intelligent Security Systems, be careful, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है।